हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर्कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसीएम असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह पार्ट वीडियो सेकंड है। यह जो एग्ज़ाम है 70% एलडीसी कोटा के अंतर्गत हुआ है और यह एग्ज़ाम 2024 में हुआ है। तो आइए एनालाइज करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एसीएम असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह पार्ट वीडियो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एस्कॉर्ट ऑफ ए कैंसर पेशेंट गेट्स -% कंसेशन इन थर्ड एसी। योर आंसर विल बी ऑप्शन 2, 75%। कहता है एक कैंसर रोगी के अनुरक्षक को, एक कैंसर रोगी के जो एस्कॉर्ट होते हैं, अनुरक्षक होते हैं, उनको थर्ड एसी में 75% का कंसेशन रेलवे देती है, दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लीन ट्रेन स्कीम CTS प्रोवाइड्स फॉर वन ऑफ द फ्लोइंग। योर आंसर विल बी ऑप्शन 2, लिमिटेड मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ द ट्रेन एट द नॉमिनेटेड इन रूट स्टेशंस। कहता है स्वच्छ गाड़ी जो योजना है, क्लीन ट्रेन जो स्कीम है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि नॉमिनेटेड स्टेशन पे जो होता है इन रूट में, मतलब रास्ते में पड़ने वाले कुछ नॉमिनेटेड स्टेशंस होते हैं जहाँ पे मशीन द्वारा ट्रेनों को साफ सफाई किया जाता है। ऑप्शन 2 आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPCS CB एज इन मिशन कर्मयोगी। योर आंसर विल बी ऑप्शन 1, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। कहता है मिशन कर्मयोगी में NPCS CB का पूरा नाम क्या है? तो मिशन कर्मयोगी में जो है NPCS CB का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है। ऑप्शन 1 आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड थ्रू। योर आंसर विल बी ऑप्शन 1139 ऑन IVRS। कहता है इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी जो सिस्टम है, उसको जो पूछताछ जो प्रणाली है वो किस माध्यम से वहाँ पहुँचा जा सकता है, तो 139 जो है वो रेलवे हेल्पलाइन नंबर है जो IVRS पे आप इससे संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम कैन बी एसेस थ्रू। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 139 ऑन IVRS। क्वेश्चन नंबर 25, डू द वंदे भारत ट्रेन ऑफर ऑप्शनल कैटरिंग सर्विसेज। योर आंसर विल बी ऑप्शन 1, येस एंड इट इज़ टू बी इंडिकेटेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट। कहता है क्या वंदे भारत ट्रेन में खान पान का वैकल्पिक सेवाएं प्रदान करती हैं? क्या कहने का मतलब है कि क्या वंदे भारत ट्रेन में आप खान पान को, मतलब फूडिंग जो होता है, फूडिंग जो कैटरिंग जो सर्विस है, क्या उसको ऑप्शनल होता है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, यस। हाँ, ये बताना पड़ेगा जब आप टिकट बुक करने जाते हैं वंदे भारत ट्रेन का, तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि आपको ट्रेन में जो है कैटरिंग फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है। तो यह आपका ऑप्शनल है, इसलिए आपका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गुड्स ट्रैफिक नंबर 49 पार्ट 1 वॉल्यूम 2 कंटेंस वन ऑफ द फ्लोइंग। योर आंसर विल बी ऑप्शन 1, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कहता है माल भाड़ा दर सूची संख्या 49 जो है 49 भाग 1 खंड 2 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो यह जो है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से संबंधित है। कौन? गुड्स टैरिफ, गुड्स टैरिफ 49 पार्ट 1 वॉल्यूम 2, यह जो है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द TAC पर रेक फॉर ए ग्रुप 3 CRT। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, ₹0.80 लाख। कहता है कि समूह 3 CRT के लिए TAC जो है प्रति रेक कितना होता है, तो वह जो होता है
₹0.80 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द लोएस्ट क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट? योर आंसर विल बी ऑप्शन 2 LR3। कहता है कि माल ढुलाई के लिए, मतलब फ्रेट को जो है कैरी करने के लिए, उसका सबसे लोएस्ट जो श्रेणी है, क्लास रेट है, वो क्या है? LR3 है। ऑप्शन 2 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सरचार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर बुकिंग कमोडिटीज विद ओनर रिस्क रेट एट रेलवे रिस्क रेट? योर आंसर विल बी ऑप्शन 3 20%। कहता है कि जब मालिक जोखिम दर के साथ वस्तुओं की रेलवे जोखिम दर पर बुकिंग के लिए कितने प्रतिशत अधिभार का भुगतान करना पड़ता है, तो वह होता है 20%। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट नोटिस पीरियड इज टू बी गिवन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैनल डैमरेज इन एनी टर्मिनल? योर आंसर विल बी ऑप्शन 2 24 आवर्स। कहता है किसी टर्मिनल में दंड विलंब शुल्क के कार्यान्वयन के लिए क्या नोटिस अवधि होता है, तो वह जो होता है 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेट ऑफ डैमरेज फॉर पीरियड बियॉन्ड 12 आवर्स अप टू 24 आवर्स बियॉन्ड फ्री टाइम? आंसर विल बी ऑप्शन 2 बेस रेट प्लस 25%। कहता है समय छूट से पड़े 12 घंटे से 24 घंटे तक की अवधि के लिए डेमोरेज जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो उसमें बेस रेट जो होगा प्लस 25% ऐड किया जाता है। ऑप्शन 2 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपील फॉर वेवर ऑफ डेमोरेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन 2 AGM। कहता है विलंब शुल्क की छूट के लिए अपील पर विचार करने के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होते हैं, तो वह AGM होते हैं, एडिशनल जनरल मैनेजर होते हैं। ऑप्शन 2 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फ्री टाइम फॉर गुड्स स्टॉक्ड इन ए ग्रुप थर्ड गुड्स सेड वेटिंग टू बी लोडेड इन ए रेक? योर आंसर विल बी ऑप्शन 4 72 आवर्स। कहता है एक रेक में लोड करने के लिए समूह 3 के माल सेड में देर किए गए सामानों के लिए समय छूट क्या होता है, तो वह 72 आवर्स दिया जाता है। फ्री टाइम फॉर गुड्स स्टैक्ड इन ए ग्रुप थर्ड गुड्स सेड वेटिंग टू बी लोडेड इन ए रेक इज 72 आवर्स। ऑप्शन 4 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 confers power to Ministry of Railways to issue preferential traffic order? Your answer will be option 2, 71। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 71 जो है रेल मंत्रालय को ये पावर देता है कि वह preferential traffic order जारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 35 है, what is the busy season surcharge on container traffic? Your answer will be option 2, 10%। कहता है कंटेनर यातायात पे जो बिजी सीजन सरचार्ज होते हैं वो 10% लिए जाते हैं। ऑप्शन 2 आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अंडर स्टेशन टू स्टेशन रेट स्कीम फॉर रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक? योर आंसर विल बी ऑप्शन 2 15%। कहता है ये स्टेशन टू स्टेशन स्कीम के तहत जो है रेट जो डिस्काउंट होता है वह 15% दिया जाता है। ऑप्शन 2 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग पोर्ट कंजेशन सरचार्ज? योर आंसर विल बी ऑप्शन 4 नील। कहता है मौजूदा पोर्ट कंसेशन सरचार्ज जो है वह 0 है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर लिबरलाइज्ड ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम फॉर ट्रैफिक लोडेड इन ट्रेडिशनल इम्पटी फ्लो डायरेक्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन 2 डोलोमाइट। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर, कहता है लिबरलाइज्ड ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम फॉर
ट्रैफिक लोडेड इन ट्रेडिशनल एमपीटी फ्लो डायरेक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित नहीं है, कौन सा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? तो आपका जो आंसर होगा वह होगा टू, डोलोमाइट। ऑप्शन टू आपके आंसर है। क्वेश्चन 39 है, विच इज द कंसेशन इन फ्रेट चार्जेज फॉर शॉर्ट लीड ट्रैफिक इन डिस्टेंस स्लैब ऑफ 51 किलोमीटर टू 75 किलोमीटर इन परमिटेड कमोडिटीज? योर आंसर विल बी ऑप्शन टू, 25%। कहता है अनुमत वस्तुओं में 51 किलोमीटर से 75 किलोमीटर की दूरी के स्लैब में शॉर्ट लीड जो ट्रैफिक के लिए माल भाड़े में क्या रियायत दी जाती है, क्या कंसेशन दिया जाता है? तो वो होता है आपको 25%। ऑप्शन टू आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंजिन हायर चार्जेज विल बी लिविड इन ईओएल साइडिंग इफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, रेक इज नॉट रिलीज्ड एंड इंजन विद क्रू इज डिटेन्ड बियॉन्ड फ्री टाइम। ऑप्शन वन इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द स्केल फॉर बुकिंग पार्सल इन नॉन एसी पार्सल कोचेज इन JPPRCS सर्विसेस? योर आंसर विल बी ऑप्शन वन, JPS स्केल। कहते हैं JPPRCS सेवाओं में गैर एसी पार्सल डिबो में पार्सल बुक करने का स्किल क्या है? तो वो JPS स्केल है। ऑप्शन वन आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PRR एज ए पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम? योर आंसर विल बी ऑप्शन थ्री, प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड। प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड आपके आंसर होंगे। ऑप्शन थ्री आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेट चार्जिंग इज डन फॉर कंसाइनमेंट लोडेड फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन इन केस ऑफ इंडेंटेड पार्सल ट्रेन? योर आंसर विल बी ऑप्शन वन, इंड टू इंड। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द सरचार्ज फॉर बुकिंग कमोडिटीज मेंशनड इन द रेड टैरिफ इन द लीज्ड पार्सल स्पेस? योर आंसर विल बी ऑप्शन फोर, नॉट परमिटेड। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रेट ऑफ डेवलपमेंट चार्ज लेविड ऑन बेस रेट ऑफ पार्सल ट्रैफिक? योर आंसर विल बी ऑप्शन टू, 2%। कहते हैं पार्सल यातायात की आधार दर पर लगाए गए विकास शुल्क की दर क्या है, तो डेवलपमेंट चार्ज 2% लिया जाता है। ऑप्शन टू आपके आंसर है। क्वेश्चन 46, व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर डिटेंशन बियॉन्ड शेड्यूल्ड स्टॉपेज फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ पार्सल? योर आंसर विल बी ऑप्शन टू, 5,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मिनिमम कमीशन इन रुपीज पेएबल टू द हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर हॉल्ट्स हैविंग अ स्टॉपेज अप टू 2 pairs ऑफ ट्रेन? योर आंसर विल बी ऑप्शन वन, 1,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इज सरेंडर्ड ऑफ ETE TRR नीडेड? योर आंसर विल बी ऑप्शन फोर, इन ऑल थ्री कंडीशंस, टेकिंग डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट, रीबुकिंग ऑफ द कंसाइनमेंट, इशू ऑफ सुपरसेशनल RR। कहता है निम्नलिखित में से किस लिए ETRR जरूरत होता है, उसका सरेंडर करना जरूरत होता है? तो कहता है कि जब आप टेकिंग डिलीवरी टेकिंग डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब जब कंसाइनमेंट का आप डिलीवरी ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ETRR सरेंडर करना पड़ता है, या रीबुकिंग ऑफ कंसाइनमेंट करते हैं फिर भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा, या इशू ऑफ सुपरसेशन RR जो होता है अगर वो जारी होता है उस कंडीशन में भी जो है आपको ETRR सरेंडर करना पड़ता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन फोर होगा, इन ऑल थ्री कंडीशंस। क्वेश्चन 49 है, व्हाट इज द बोनस ऑन रिचार्ज वैल्यू ऑफ आर वैलेट रेलवे वैलेट फॉर अनरिजर्व्ड बुकिंग थ्रू UTS ऑन मोबाइल ऐप? योर आंसर विल बी ऑप्शन फोर, योर आंसर विल बी ऑप्शन थ्री, 3%। कहता है कि जब आप रेलवे वैलेट को UTS ऑन मोबाइल ऐप इन सबसे रिचार्ज करते हैं तो आपको 3% का आपको इसमें बोनस मिलता है। ऑप्शन थ्री आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हेन आर द ट्रांजेक्शन्स डन थ्रू POS मशीन सेटल्ड इन द बुकिंग ऑफिस?
आंसर विल बी ऑप्शन टू शिफ्ट इंड। देखिए जब भी आप बुकिंग ऑफिस में काम करते हैं और आपके उस शिफ्ट का जब पूरा ट्रांजैक्शन POS का ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में लोग बैच क्लोजिंग लेते हैं, वह इंड शिफ्ट इंड में जो है हम लोग लेते हैं, मतलब जब आपका शिफ्ट ख़त्म होगा उस समय हम लोग POS का भी बैच क्लोजिंग वगैरह लेके उसको क्लोज करते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेन आर द ट्रांजेक्शन्स डन थ्रो POS मशीन सेटल्ड इन द बुकिंग ऑफिस, आंसर विल बी ऑप्शन टू शिफ्ट इंड, जब शिफ्ट आपका खत्म होगा उस समय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इज मैनुअल EFT रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर EFT ट्रांजेक्शंस बाई टिकट चेकिंग स्टाफ यूजिंग HST, आंसर विल बी ऑप्शन टू रिक्वायर्ड। कहता है क्या टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा HST के माध्यम से EFT लेन देन के लिए मैनुअल EFT जारी करना आवश्यक है? तो जब अगर देखिए जनरली जरूरत नहीं पड़ता है, अगर जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर टू होगा, रिक्वायर्ड है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज VPA एज यूज्ड इन द ट्रांजैक्शन यूजिंग UPI, योर आंसर विल बी ऑप्शन टू वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। देखिए जब आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, UPI जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें VPA जो होता है वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, ऑप्शन टू आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द मिनिमम लीड ऑफ ट्रैफिक बुक्ड अंडर कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट, योर आंसर विल बी ऑप्शन थ्री 400 किलोमीटर। कहते हैं कार्गो एग्रीगेटर परिवहन उत्पाद के तहत बुक किए गए ट्रैफिक का न्यूनतम लीड क्या होता है? तो वो 400 किलोमीटर होता है, सॉरी 300 किलोमीटर होता है, ऑप्शन थ्री आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश इज द डिजाइंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर प्रिफरिंग एप्लीकेशन फॉर एडवांस स्टॉकिंग, योर आंसर विल बी ऑप्शन थ्री FBD। कहता है FBD अग्रिम स्टॉकिंग के लिए आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए नामित ऑनलाइन पोर्टल है, कौन? FBD, ऑप्शन थ्री आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, द लाइसेंस टू ऑपरेट PMBJK स्टॉल एट रेलवे स्टेशन विल बी गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स, आंसर विल बी ऑप्शन थ्री ईयर्स। कहता है कि रेलवे स्टेशनों पर PMBJK स्टॉल खोलने का जो लाइसेंस होता है वह 3 वर्ष के अवधि के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लाइव स्टॉक इज क्लासिफाइड अंडर क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन वन LR3, लाइव स्टॉक को जो है LR3 क्लास रेट में बुक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द एक्स ग्रेसिया अमाउंट फॉर ग्रीवियस इंजरी इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, योर आंसर विल बी ऑप्शन थ्री 25,000 रुपीज। कहता रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर अनुग्रह राशि कितनी है? तो वो 25,000 रुपये है, ऑप्शन तीन आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, देयर सेल नॉर्मली बी डैश मेंबर्स इन ए स्टेट कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ NSG 6 स्टेशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन 4-5। कहता है NSG 6 स्टेशन की स्टेशन सलाहकार समिति में आमतौर पर जो है 6 सदस्य होते हैं, आमतौर पर जो है 5 सदस्य होते हैं, सॉरी 5 मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन 4 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट कैन YTSK इशू, आंसर विल बी ऑप्शन 3 बोथ PRS एंड UTS। YTSK जो होते हैं PRS UTS दोनों तरह के टिकट जारी करते हैं, ऑप्शन 3 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PRIMES, योर आंसर विल बी ऑप्शन 1 पैसेंजर रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट इन्हांस्ड सिस्टम। तो PRIMES का जो पूरा नाम होता है वो होता है पैसेंजर रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट इन्हांस्ड सिस्टम, ऑप्शन 1 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर NIN FRIS डैट ए GM कैन परमिट, योर आंसर विल बी ऑप्शन 3-5 ईयर्स। कहता है नीन फ्रीम के तहत अनुबंध की जो अधिकतम अवधि होती है वो 5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑन बोर्ड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर कमर्शियल सर्कुलर ऑफ 24 ऑफ 2023 ऑन कैटरिंग सर्विसेज इन मोबाइल यूनिट,
योर आंसर विल बी ऑप्शन टू, 5+2 years, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। कहता है मोबाइल यूनिट में खानपान सेवाओं पर 24/2023 के वाणिज्य परिपत्र के अनुसार ट्रेन में खानपान जो कैटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5+2 years होता है, ठीक है ना। ये निर्भर करता है कि आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है तो आपके 2 years को बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन टू आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी को यूजर्स कैन बी परमिटेड इन ए प्रिविलेज साइडिंग। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, नो लिमिट। एक निजी साइडिंग में कितने सह उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी जाती है तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन 3 आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज कंपटीशन टू रिलैक्स द मिनिमम एनुअल टर्नओवर क्राइटेरिया एट DE and F कैटेगरी स्टेशंस एज पर द एक्सटेंट कैटरिंग पॉलिसी। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, GM। कहते हैं वर्तमान खान पान नीति के अनुसार DE and F श्रेणी के स्टेशनों पर न्यूनतम वार्षिक कारोबार मापदंड में छूट देने के लिए कौन सक्षम होते हैं तो वह GM होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। ऑप्शन 3 आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंडर MPS पॉलिसी ए लाइसेंसी कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ डैश यूनिट इंस्टॉल इन ए डिवीजन। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, 5। कहता है कि MPS नीति के अंतर्गत लाइसेंसधारी जो है किसी भी डिवीजन में मैक्सिमम 3 इंस्टॉल को वो अपने पास, मैक्सिमम 5 इंस्टॉल को वो अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द मोनेटरी पावर ऑफ PCCM फॉर सेटलमेंट ऑफ ईच केस ऑफ कंपनसेशन क्लेम्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन 1, 8 लाख। कहता है मुआवजे के दावों के प्रत्येक मामले के निपटान के लिए PCCM की मौद्रिक शक्ति कितनी है, उनका पावर कितना है PCCM का, तो 8 लाख तक। ऑप्शन 1 आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, लीज टेन्योर ऑफ रेलवे लैंड फॉर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल इज अप टू ए पीरियड ऑफ। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, 35 years। क्वेश्चन नंबर 68, कंसाइनमेंट्स लोडेड इन नॉन स्टैंडर्ड बैग्स शुड बी वेटेड अप टू। आंसर विल बी ऑप्शन 4, 100%। कहता है गैर मानक बैग में लदी खेप को 100% तक तौला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज द लमसम डिपॉजिट एज वैगन डिमांड रजिस्ट्रेशन फी पर रैक फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन रुपीज। योर आंसर विल बी ऑप्शन 4, 5 लाख 5 लाख रुपीज। ऑप्शन 4 जो है आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रिव्यू ऑफ स्टेशन कैटेगराइजेशन फॉर प्रोविजंस ऑफ इसेंशियल पैसेंजर एमिनिटीज इज टू बी डन एवरी डैश ईयर्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन 2, 5 years। कहते हैं आवश्यक यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए स्टेशनों का जो वर्गीकरण होता है वो प्रत्येक 5 साल पे एक बार जो है उसको रिव्यू किया जाता है। ऑप्शन 2 आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन 1, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंटरनेशनल न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन विच ईयर वाज पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद ऑफिशियल लैंग्वेज पास्ड इन द पार्लियामेंट। आंसर विल बी ऑप्शन 1, 1949। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर विल बी ऑप्शन 2, 9। क्वेश्चन नंबर 75, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंटाइटल्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर विल बी ऑप्शन 3, 22। क्वेश्चन नंबर 76, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन 4, भूटानीज। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, 1963।
क्वेश्चन नंबर 78, इनटू हाउ मेनी रीजन्स हैव इंडियन स्टेट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स. आंसर विल बी ऑप्शन 2, 3. क्वेश्चन नंबर 79, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. आंसर विल बी ऑप्शन 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु फॉल्स अंडर विच रीजन. आंसर विल बी ऑप्शन 3, C. तमिलनाडु जो किस रीजन में आता है, तो ऑप्शन 3 आपके आंसर है, सी रीजन में आते हैं. तो ये जो है हमारे कुछ एसीएम के क्वेश्चंस थे जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDCE क्लासेस.